हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे क्लासेस ओएसी चैनल को और इस बेल बटन को दबाइए ताकि लेटेस्ट टीचिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड ऑल, टुडे वी आर टेकिंग द सेकंड लेक्चर ऑन द ह्यूमन आई, चैप्टर नंबर 11, यू आर एनसीईआरटी टेक्सटबुक पेज नंबर 187, फिजिक्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड। इससे पहले हमने लेक्चर लिया हुआ है, इंट्रोडक्शन, टोटली फंडामेंटल का एक बेसिक लेक्चर लिया हुआ है मैंने इस पर। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ओएसएस क्लासेस, और उसको आप देख सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करिए और बने रहे हमारे साथ सारे वीडियो के लिए। तो हम यहाँ बात करने वाले आज द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई इज ए नेचुरल कैमरा। जैसा कि हमारे पास कैमरा होता है, मोबाइल में होता है, अब जिस मोबाइल से ये शूटिंग कर रहे हैं हम वीडियो, उसमें भी एक कैमरा है, उसमें अलग अलग टाइप के लेंसेस है। हमने लेंसेज लास्ट चैप्टर में पढ़ी है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन टॉपिक में पढ़ी है कि लेंसेज कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो हमारी ह्यूमन आई में कौन सी लेंस होती है? तो हमारी ह्यूमन आई में लेंस होती है कॉन्वेक्स। कौन सी लेंस होती है? कॉन्वेक्स लेंस। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस, जो हमारे आई के अंदर गॉड ने गिफ्ट किया है। ठीक है, तो इस जो आई का स्ट्रक्चर है वो आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 187 पेज नंबर हाउ मच 187 पेज नंबर 187। तो हम यहाँ पर पेज नंबर 187 का डिस्क्रिप्शन लेने वाले हैं। ह्यूमन आई क्या होता है, इसका वर्किंग कैसा होता है, उसकी डायग्राम कैसी होती है, क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें, एग्जाम में बोर्ड वाले किस तरह से कंसेप्ट हमें पूछते हैं, वो हम सारे डायग्राम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सारा यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको क्लियर रहने वाला है, बस बने रहे हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ठीक है, तो ह्यूमन आई जिसमें होती है कॉन्वेक्स लेंस और बहुत सारे पार्ट होते हैं। वी ऑलरेडी टॉक अबाउट दैट ह्यूमन आई मोर देन 200,000 पार्ट फाउंड इन अवर आई। कितने? 200,000 से भी ज्यादा पार्ट्स हमारे ह्यूमन आई में मिलते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 187 पेज नंबर पे टोटल 9 लेबलिंग दी है। कितनी लेबलिंग दी हुई है? 9 लेबल्स। लेबल कितनी करे हुए हैं आपके इसमें? 9। तो हम हर एक लेबल को समझेंगे आज यहाँ पर, और जब कभी भी इस पे डिपेंड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप टोटली फ्रिक्वेंटली उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। अंडरस्टूड? सो बने रहे हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिए आखिरी तक, तो आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी। सबसे पहले हमें क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन आता है, जनरली बहुत बार रिपीट हुआ है एनसीईआरटी के बुक के थ्रू, बोर्ड पूछता है, सीबीएसई बोर्ड पूछता है, हमें पूछता है कैराइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ह्यूमन आई। एक शॉर्ट नोट लिखिए ह्यूमन आई पे, हमें उसमें क्या क्या कंसिडरेशन करनी है वो ध्यान में रखिए। सबसे पहले आपको 2-3 स्टेटमेंट लिखनी है ह्यूमन आई के बारे में। जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि ह्यूमन आई इज ए नेचुरल कैमरा होता है, बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है। आफ्टर ब्रेन मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ अवर ह्यूमन आई। अंडरस्टूड? सो कंटिन्यू विद दिस। टोटल 9 लेबलिंग आर देयर। अब आपके बोर्ड पे डायग्राम आने जा रही है, जो डायग्राम आपकी ही एनसीईआरटी के बुक से ली है। देखिए क्या इसी तरह से डायग्राम है वो, टोटल डायग्राम इज लाइक दिस। सो हियर टोटल 9 पार्ट, वन बाय वन वी कैन डिस्क्राइब ईच पार्ट। क्रिस्टलाइन लेंस, एक्वस ह्यूमर, पपिल, इरिस, कोरिना, विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर आल्सो द पार्ट ऑफ द एक्वस ह्यूमर। तो दोनों को हम एक ही कंसीडर कर सकते हैं, ऑप्टिक नर्व, रेटिना और सिलियरी मसल। टोटल यहाँ पर 9 लेबलिंग है, 8 लेबलिंग का आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। कितने लेबलिंग का लिखना है? 8 लेबलिंग का। तो मैं इसको 90 का क्या कर देता हूँ? 8 कर देता हूँ। क्यों 8 कर दिया? समझ में आ रहा है ना आपको? क्योंकि ह्यूमन यहाँ पर भी दिया है वाइटर्स ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, तो हम वन बाय वन हर चीज को देखने जाने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे होता क्या है रेटिना। रेटिना क्या होता है? देखिए रेटिना जनरली होता है जहां पर स्क्रीन पे इमेज बनती है। ठीक है, मतलब कोई स्क्रीन होता है जिसपे इमेज बन रही है। जैसा क्या यहाँ पर कोई स्लाइड चल रही है, यहाँ पर इमेज बन रही है ना। इससे पहले हमने जो डायग्राम बताई थी आपको, वो कहाँ पर बन रही थी? इस बोर्ड पर। तो ये बोर्ड उसके लिए स्क्रीन हो गया। जहाँ पर इमेज बनती है वो होता है स्क्रीन। ठीक है, तो हमें जो नेचुरल गिफ्ट मिला है, गॉड की तरफ से जो गिफ्ट मिला हुआ है, उस ह्यूमन आई के अंदर सबसे पे इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है। तो हम पहला टॉपिक ले लेंगे, दैट इज रेटिना। ठीक है, रेटिना क्या होता है? नेचुरल, बोलिए, नेचुरल
स्क्रीन होता है जहां पर इमेज बनती है, अंडरस्टूड? मतलब एक बार ध्यान रहे आपको, क्या रेटिना एक नेचुरल स्किन होता है जहां पर इमेज बनती है। तो टोटल इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, आप पॉज करके इस वीडियो पे ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये वीडियो से चीजें लिख सकते हैं आप, डजंट मैटर इन दैट, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको डायमीटर दिया है 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, डायमीटर यू नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल लॉजिक, दिस इज अ सर्कल, हमारी आईज भी स्फेरिकल होती है, ठीक है, नियर अबाउट सर्कल होती है, तो ये जो डायमीटर होता है इन एन एवरेज 2.3 सेंटीमीटर की होती है, 2.3 सेंटीमीटर की होती है, समझ आ रहा है आपको? तो जनरली इन एन एवरेज ये किसी आईज बड़ी भी होती है छोटी भी होती है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन ये इन एन एवरेज निकाला हुआ, ठीक है। तो ये कोई हमें इसका क्वेश्चन नहीं है कि 2.3 सेंटीमीटर ही क्यों लिया हुआ है, ये एवरेज है, ठीक है, कंटिन्यू विद दिस। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर है। रेटिना किसको बोलते हैं? जहाँ पर स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होती है, मतलब रेटिना वो चीज होती है जहाँ पर इमेज हमें मिलती है या बनती है या फॉर्म होती है, ओके। सो वी कैन कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया की अगर हम बात करेंगे तो कॉर्निया ये सेकंड पार्ट आता है, पार्ट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट दी 8 पार्ट्स, हम 8 पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो कॉर्निया क्या होता है? आपका एक लाइट इंटर्स थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया, जैसा हमारे घर में या फिर आपके स्कूल्स में या हमारे स्कूल्स में या कोई भी ऑफिस में गेट होता है, कोई पर्सन इंटर हो जाता है अंदर, कोई पर्सन अगर इंटर हो गया अंदर तो हम उसे बोलेंगे कॉर्निया, मतलब यहाँ से लाइट खाली इंटर कर रहा है, समझिए आप बात को, हम पूरा डिटेल में लेंगे आपको पास समझ आएंगे। अभी आप कोई क्वेश्चन प्राइज मत कीजिए, ये पूरा वीडियो देखिए, फिर अगर क्वेश्चन आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो कॉर्निया एक टाइप का गेट होता है जहां पर लाइट क्या करता है, इंटर करता है, लाइट क्या इंटर करता है, कॉर्निया के थ्रू। तो हम यहाँ बात करेंगे कि कॉर्निया किसको बोला जाता है, लाइट इंटर्स, एंड वी टॉक अबाउट दी प्रीवियस चैप्टर, लाइट इज व्हाट, द बंडल ऑफ रे, ठीक है, बंडल ऑफ रे, जो रे के बंडल होते हैं उसे हम लाइट बोलते हैं। लाइट इंटर्स करता है किसके थ्रू, कॉर्निया के थ्रू, ओके। नाउ थर्ड इज देयर पपिल, पपिल क्या करता है, ये पपिल रिस्पॉन्सिबल है, ये जो लाइट इंटर हो चुका है, मैंने एक ही पेज पे क्यों लिया ये दोनों वर्ड, क्योंकि आपको समझे ठीक से कि कॉर्निया तो लाइट को इंटर करवा देता है, लेकिन कितना लाइट भेजना है या कितना लाइट को अलॉट करना है, कितने लाइट को अलॉट नहीं करना है, वो डिसाइडेड पपिल डिसाइड करता है, मतलब कंट्रोल ऑफ लाइट, पपिल साहब का क्या काम है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, मतलब ये लाइट को कंट्रोल करता है, इतना इंटरेस्ट कर दिया, चलो भैया सब चले जाएंगे, लेकिन कितना इंटर करना है कितना नहीं करना है ये डिसाइड कौन कर पाता है, ओनली पपिल, ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो यहाँ पर कितने लेबलिंग क्लियर होगा आपको, 1, 2, 3, हम फोर्थ लेबलिंग लेंगे धीरे से, तो आप ये अगर लिखना है तो आपको लिख सकते हैं आप, ठीक है, वर्ड टू वर्ड हम बाद में भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एरिस, एरिस क्या करता है आपका, दैट इज फोर्थ नंबर, एरिस जैसे कि यहाँ पर लिखा है बिहाइंड द कॉर्निया इज मस्कुलर डायफ्राम कॉल्ड एरिस व्हिच हैज ओपनिंग कॉल्ड पपिल, ठीक है, मतलब एरिस किसके पीछे रहता है, किसके पीछे रहता है, डायग्राम देखिए आप, अगर आपने डायग्राम नहीं देखी है तो मैं आपको फिर से डायग्राम दिखाता हूँ, दिस इज डायग्राम, देखिए क्या क्या चीज हो गया, हमारा रेटिना हो गया, ठीक है, कॉर्निया हो गया, पपिल हो गया, इरिस, इरिस देखो किसके पीछे, इरिस पपिल के पीछे, तो यहाँ पर जो पपिल है, पपिल के पीछे कौन है, इरिस है, ठीक है। तो कॉर्निया, इरिस, पपिल, ये टॉपिक क्लियर हो गया आपको, रेटिना भी क्लियर है, मतलब टोटल कितने क्लियर हो गए हमारे, 4, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पपिल क्या होता है, हमने लिख लिया ऑलरेडी, लाइट कंट्रोल्स, लाइट को जो कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे उसके, दैट इज सेलिन मसल्स, यहाँ पर हम लिखना रह गया, क्या लिख सकते हैं, बिहाइंड दी कॉर्निया, ठीक है, बिहाइंड दी डायफ्राम होती है, डायफ्राम, ठीक है, या फिर नहीं भी आप टोटल ऐसे लिख के लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, पढ़ा है सिलरी मसल, सिलरी मसल क्या करता है,
सिलेरी मसल अलोड करता है हमारे लेंस के कर्वेचर को एक्सपांड करने या कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट। देखिए मेरे हैंड को ठीक से, जो हमारा कर्वेचर है, यू नो द कर्वेचर इन द लास्ट चैप्टर दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें हमने कॉन्वेक्स लेंस ली हुई है और कॉन्केव लेंस भी लिए, कॉन्केव मिरर भी लिया है और कॉन्वेक्स मिरर भी लिया है। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, चीजें रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये कौन कर पाता है, सिलेरी मसल, जो मसल होते हैं जैसे आपके मसल्स है ना, मस्कुलर सिस्टम चीजों को रिलैक्स कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेरी मसल हेल्प टू चेंज द कर्वेचर ऑफ द लेंस, मतलब जो भी लेंस है उसके कर्वेचर को चेंज करने का काम कौन करता है, सिलेरी मसल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिलेरी मसल, व्हाट इज दिस, सिलेरी मसल to change the curvature of the lens, to change the curvature of the lens. कौन सी लेंस है यहाँ पर, convex lens, कौन सी लेंस है यहाँ पर, convex lens, ठीक है। So यहाँ पर ये doubt clear होगा आपको fifth तक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फोकल लेंस, हमने ऑलरेडी बताई आपको क्या होती है, ठीक है। द आई लेंस हेल्प टू फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, ये भी हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अब हम बात करेंगे द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई, इससे पहले हमारे कितनी लिडिंग होनी थी, 8, कितनी हो गई, 5, क्या क्या बाकी है, हम एक बार रिवाइज करके लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या हो चुका है हमारा लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस, ये हैप्पी लिख दिया हमने। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 नंबर का, दैट इज लेंस, कौन सी लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस वर्ड यूज किया है वहां पर, तो हम भी क्रिस्टलाइन लेंस ही यूज करेंगे, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस कौन सी होती है हमारी, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्या बाकी है, अभी देखिए ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व 7 नंबर का टॉपिक, ऑप्टिक नर्व ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करता है ब्रेन को, कहाँ से, रेटिना पे, रेटिना पे जैसे ही इमेज फॉर्म होती है, हमने ऑलरेडी बात की है रेटिना क्या है, नेचुरल स्क्रीन है जहाँ पर इमेज फॉर्म होती है, जहाँ पर इमेज फॉर्म होती है वो इमेज को सेंड करने का काम कौन करता है, ऑप्टिक नर्व। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टू सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू दी ब्रेन, अंडरस्टूड। और लास्ट टॉपिक है आपका, दैट इज एक्वायर्ड ह्यूमर एंड रिट्रेस ह्यूमर, ये दोनों टॉपिक क्या है आपके, ये दोनों टॉपिक एक जिली लाइक मटेरियल होते हैं, तो आप इतना ही वर्ड लिख लीजिए कि जिली लाइक मटेरियल होते हैं, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है आपको, मतलब ऑप्टिक नर्व के बाद जो 8 नंबर का टॉपिक है वो 8 नंबर का कौन है, एक्वायर्ड ह्यूमर और रिट्रेस ह्यूमर, ये हम लिख के नहीं दे रहे आपको, आप खाली इतना वर्ड लिख लीजिए, दिस बोथ आर जिली लाइक मटेरियल टू हेल्प दी एड्रेस द ऑल पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, मतलब यहाँ पर जो जेली लाइक मटेरियल ब्लू दिख रहा है आपको, ये ब्लू ही क्या है, रिट्रेस मसल है, या तो ह्यूमर है, एक्वायर्ड ह्यूमर ये दिख रहा है, मतलब ये चीजें क्या करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं उनकी ही जगह पे, उनकी ही पोजीशन पे बने रहने के लिए, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दैट इज चैनल नेम इज एसएस क्लासेस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन आई, कॉन्वेक्स लेंस होती है, ये डायग्राम दिए, डायग्राम को टोटल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बोर्ड पे लिख के दिया है, और आप एक बार और वीडियो को देख लीजिए घुमा घुमा के, और आप सारी चीजें को नोट डाउन कर सकते हैं। तो लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको डाउट हो कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।